स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। स्टैंडर्ड 7th, सब्जेक्ट मराठी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, वाचनाचे वेड। वाचनाचे वेड यानी रीडिंग का क्रेजीनेस। जिस किसी किसी को ना बुक्स रीडिंग करने का बहुत आदत होती है, बहुत शौक होता है उनको, तो इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया हम देखते हैं। आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते। आजकालच्या मुलांना यानी आजकल के बच्चों को वाचन यानी रीडिंग करना बोले तो बहुत बोरिंग चीज़ लगती है। टीव्ही, व्हिडिओ गेम्स, कंप्यूटर, मोबाईल या सर्वांशी त्यांची पक्की मैत्री झाली आहे। टीव्ही, व्हिडिओ गेम्स, कंप्यूटर्स और मोबाईल, इन सबसे उन लोगों की पक्की दोस्ती हो चुकी आहे। खरे तर सोनललाही पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त इतर पुस्तक वाचनाची बिलकुल आवड नव्हती। और सही बात बोलो तो सोनल जो इस चैप्टर में जो कैरेक्टर है सोनल, उसको बुक्स रीडिंग करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, ना उसको बुक्स रीडिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। थोड़ा वक्त पढ़ाई करते वक्त जो वो रीडिंग करती थी बस वही, उसके अलावा वो बुक्स बिल्कुल भी रीड नहीं करती थी। तिची आई अन मोटा भावाला मात्र आवड नवे तर वाचनाचे वेडच होते। और उसकी मम्मी और बड़े भाई को रीडिंग करना अच्छा ही नहीं लगता था, मतलब वो बहुत क्रेजी थे रीडिंग करने के लिए। जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था तो वो रीडिंग करने लगते थे बुक्स। तिच्या आई ने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला। उसकी माँ ने बहुत बार ट्राई किया कि वो सोनाली की जो मतलब रीडिंग करने की जो आदत है उसे वो बढ़ावा दे या फिर उसको वो अच्छी आदत लगे, बट सोनाली ज़्यादा ट्राई नहीं करती थी। आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत असे तिचे मन होते। अपनी स्टडी के अलावा ऐटलीस्ट दिन में 2 पेजेस तो तुमको ऐसे ही रीड करना चाहिए, ऐसे सोनाली का मम्मी का कहना था। खूब प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते। और बहुत ट्राई करने के बाद भी सोनाली रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, और इस सब चीज़ में उसकी मम्मी को यश यानी कामयाबी नहीं मिल रही थी। वो बहुत ट्राई करते थे कि सोनाली अपने स्टडी के अलावा थोड़ी बहुत और रीडिंग करे, लेकिन सोनाली बिल्कुल भी नहीं करती थी। एकदा सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एक गोष्टीचे पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि सांगितले। एक दिन क्या हुआ कि छुट्टियों का वक्त था, सोनाली की मम्मी ने उसके हाथ में एक गोष्ठी यानी स्टोरीज की बुक उसके हाथ में दी और उसको कहा, सोनाली मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून बोलवला आहे, तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे। उन्होंने क्या कहा कि सोनाली मुझे एक स्कूल में पाहुणी यानी गेस्ट के तौर पर मुझे वहाँ पर बुलाया गया है और मुझे बच्चों को एक स्टोरी बोलना है। मला खूप काही गोष्टी माहित आहे पण कोणती गोष्ट सांगू ते समजेना। मुझे बहुत सारी स्टोरीज आती है लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बच्चों को कौन सी स्टोरी बताऊँ या उनके साथ में शेयर करूँ। या पुस्तकातली एक गोष्ट सांगावी असं वाटतं आहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बुक में से एक स्टोरी को वहाँ पर बच्चों को बताना चाहिए। तू यातली एक छानशी गोष्ट मला निवडून दे, मी 30 गोष्ट शाळेत सांगेन। उन्होंने सोनाली को क्या कहा कि इस बुक में से मुझे एक जो स्टोरी है वो चूज़ करके दो, मैं वहाँ पर बच्चों को यही स्टोरी सुनाऊँगी। आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईंनी सांगितलेले आठवले। मम्मी को हेल्प करना मतलब सोनाली को स्कूल में जो टीचर ने कहा था उसको वो बात याद आ गई। अपन सर्वांना मदत केली पाहिजे, या मदतीची सुरुवात घरापासून करा। सोनाली को कौन सी बात याद आई कि हमको सबको हेल्प करना चाहिए और इस चीज़ की शुरुआत हमें सबसे पहले हमारे घर से करनी चाहिए। मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, पण दुसऱ्यांचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो। मदद करने से यानी हेल्प करने से दूसरों को तो खुशी होती ही है, लेकिन जो दूसरों की मदद करने का दूसरों को जो खुशी होती है उससे हमें क्या मिलता है, समाधान यानी सैटिस्फैक्शन मिलता है। तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कौन कौन ती मदद करता त्याची नोंद ठेवा आणि ती दर शनिवारी दाखवा। तुम लोग घर पे या फिर बाहर किस किस लोगों को कैसी कैसी हेल्प करते हो उसको नोट करके रखो और हर सैटरडे स्कूल में क्लास में बताया करो। सोनाली ने आत्तापर्यंत बऱ्याच नोंदी वहीत केल्या होत्या। सोनाली ने अभी तक बहुत सारे नोट्स लिखे हुए थे जिन जिन लोगों को उसने हेल्प किए। आईला मदद ही एक नवीन नोंद होईल और मम्मी को हेल्प करना ये एक नया नोट होगा। बाई देखील सगळ्यांसमोर आपले कौतुक करतील। बाई यानी टीचर भी क्लास में सबके सामने उसका क्या करेंगे, कौतुक यानी उसको शाबाशकी देतील। या विचाराने तिने पटकन हो म्हणून आईच्या हातातले पुस्तक घेतले। उसने यही सोचा कि अगर मैं मम्मी को हेल्प करूँगी और फिर जब ये मेरी क्लास टीचर को पता चलेगा तो वो सबके सामने क्या करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे। ऐसा सोच के सोनल ने क्या किया, फटाक से उनके हाथ से क्या ले ली, बुक ले ली।
आई ने तिला दिलेल्या पुस्तका छोट्या छोट्या कथा होत्या और मम्मी ने जो बुक सोनाली को दिया था उसमें क्या थे छोटी छोटी स्टोरीज थी, कथा यानी छोटी छोटी स्टोरीज थी। नुसत्या कथांची नावे वाचून कोणती कथा निवडावी हे तिला कळेना। स्क्रिप्ट बुक जो स्टोरीज के नाम पढ़कर कौन सी स्टोरी चूज करूँ ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। शेवटी तिने नाईलाजाने एक एक करून जवळ जवळ 10 कथा वाचल्या और लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने क्या किया एक एक करके 10 स्टोरीज पढ़ ली। अवघ्या 1.5 तासात सारे पुस्तक वाचून घेतले और 1.5 घंटे में पूरी बुक्स उन्होंने रीड कर ली। खरे तर प्रथम तिला हे फारच कंटाळवाणे वाटले, लेकिन सबसे पहले तो उसे ये चीज़ बहुत बोरिंग लगी कि उसको बार बार इतना बड़ा बुक रीड करना पड़ रहा है। पण जस जशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली तस तशी तिला पुढची कथा काय आहे त्यात काय लिहिले आहे या विषयीची उत्सुकता वाटू लागली। लेकिन जैसे जैसे वो बुक रीड करने लगी वैसे वैसे उसको इंटरेस्ट आने लग गया कि आगे कौन सी स्टोरी होगी, उस स्टोरी में अंदर क्या होगा, कौन सा कैरेक्टर होगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवले हे तिलास कळले और ऐसा रीड करने का इंटरेस्ट आया तो उसने कब पुस्तक उसका जो बुक थी कब खत्म हो गई वो उसको ही समझ में नहीं आ रहा था। कथा तर सगळ्याच आवडल्या, त्यातली कोणती निवडावी ते समजेना। स्टोरीज तो उसको सब पसंद आई लेकिन उसमें से कौन सी चूज करनी चाहिए वो उसको समझ नहीं आ रहा था। ती आईकडे गेली व आपल्या समोरील समस्या सांगितली। वो मम्मी के पास गई और उनको बोला कि देखो मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है। मग आई ने तिला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश एका पानावर लिहिण्यास सांगितलं। तो उसकी मम्मी ने उसको एक सजेशन दिया कि तुम हर जो स्टोरी जितनी भी स्टोरीज तुम रीड कर रहे हो सबका एक सारांश यानी एक छोटा सा हिस्सा उस स्टोरी में क्या है तुम एक पेज पर लिख कर रखो। सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले। सबसे पहले तो सोनाली को लगा रही ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं फटाफट कर लूँगी। पन एक दोन कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे हे पटकन आठवेनाच, लेकिन एक दो स्टोरीज लिखने के बाद आने वाली स्टोरीज में क्या है वो उसको फटाफट याद नहीं आ रहा था। तिने आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते म्हणून सांगितलं। उसने माँ को क्या कहा कि मैं वापस एक बार क्या करती हूँ बुक रीड करती हूँ। खरे तर आज घरात आजी आजोबा बाबा दादा काकू काका या साऱ्यांनाच सोलानीकडे पाहून नवल वाटले। आज पूरे घर वाले घर में जितने भी लोग थे उसके दादा दादी भाई चाचा सबको सोनल की तरफ देखकर क्या लग रहा था एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे। वो लोग आश्चर्यचकित यानी उन लोगों को एकदम शॉक लग गया था कि आज ये बुक्स कैसे रीड कर रही है। आता तिने एक पान घेतले, त्या पानावर कथेचे नाव आणि त्या कथेत काय सांगितले ते थोडक्यात लिहिले। सोनालीने क्या किया कि एक पेज लिया, उस पेज के ऊपर उस स्टोरी का नाम और उस स्टोरी के अंदर क्या है क्या स्टोरी है वो उसने लिखना स्टार्ट किया। बगता बगता तिचे पान भरले और देखते ही देखते उसका पूरा पेज भर गया। ती पळतच आईकडे गेली आणि तिने आईला ते पान दाखवले। वो भागते भागते माँ की तरफ गई और माँ को वो पेज दिखाया। आईला ते सारे पाहून तिचे खूप कौतुक वाटले और माँ को वो सब देखकर उसके बहुत कौतुक यानी बहुत प्यार आ रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। आई ने तिचे घरातल्या साऱ्यांपुढे कौतुक केल्यामुळे तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता और माँ ने उसके सबके सामने उसकी तारीफ की, कौतुक यानी उसको शाबाश की दी। इसीलिए उसकी जो खुशी थी वो आसमान को छू रही थी। शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितले और स्कूल में जाने के बाद उसने टीचर को बताया कि उसने मम्मी को कल कैसे मदद की, कैसे हेल्प की और सबको बताया आणि सोबत एक कथा ही ऐकवली, सबको ये भी बताया और साथ में सबको एक स्टोरी भी सुनाई। तिने आजपर्यंत कधीच अवांतर वाचन केले नव्हते, उसने आज तक कभी भी इतना दिल लगाकर रीडिंग नहीं किया था। तिच्यातला हा आमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देणार होता। उसके अंदर का ये आमूलाग्र यानी जैसे कि जो अचानक से जो चेंजेस उसके अंदर आ गए थे वो सबको खुशी दे रहा था। वर्गात प्रथम बाईंनी आईला मदद केली म्हणून अभिनंदन केले और सबसे पहले तो क्लास में टीचर ने मम्मी को उसने हेल्प की इसलिए उसको क्या किया अभिनंदन यानी कॉन्ग्रॅच्युलेशन कहा। आणि नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबाशकी दिली और उसके बाद में क्लास में उसने इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई उसके लिए उसने कौतुकाने क्या किया उसके पीठ पे से हाथ भी फिराया, उसको शाबाशकी दी। सोनालीला आज खूप खूप आनंद झाला। आज सोनाली बहुत खुश थी। तिने आता घरातल्या शाळेतल्या वाचनालयात अनेक पुस्तकांचे वाचन करायचे ठरवले होते। उसने सोच लिया था कि मैं घर पे भी और स्कूल में भी लायब्ररी में बहुत सारी बुक्स रीड करूँगी।
आईने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली होती और माँ के कहने के अनुसार यानी माँ के कहने के ऊपर उसने एक बुक बनाई थी, त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिहून ठेवल और उसमें वो क्या नोट करेगी, जो बुक्स पढ़ते वक्त अगर उसको कोई लाइन पसंद आ गई, कोई जोक पसंद आया या फिर कोई चीज़ उसको अच्छी लगी तो वो उसको नोट करके रखेगी। सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबांनी तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले और सोनाली का प्रोत्साहन यानी सोनाली का जोश बढ़ाने के लिए उसके बाबा ने क्या किया, उसके बर्थडे पे उसको एक छोटा सा जो बुक था एक पुस्तक उसको गिफ्ट दिया आणि सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्याच मुला मुलींना एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिलं और साथ में उसके जितने भी क्लास में जितने भी फ्रेंड्स थे उन सबको भी एक एक पुस्तक यानी एक एक बुक उन्होंने गिफ्ट दी। सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरजच उरली नाही। अब सोनाली को रोज़ बोलना नहीं पड़ता है कि तुम रीडिंग करो, पुस्तक रीड करो या फिर बुक्स पढ़ो, ऐसा बोलना नहीं पड़ता। अब वो खुद से ही रीडिंग करती है। थैंक यू।